सो हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और मैं आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ यार, जो है कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। यार देखिए, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, आपको पता है टेम्परेचर 40-45 पहुंच रहा है, तो कार का एयर कंडीशनिंग तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो यहाँ पे आप ऑटो बटन देख रहे हैं, इसका क्या बेसिकली फंक्शन होता है, एक जो मैनुअल एसी होता है और इसमें क्या बेसिकली फर्क होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारे बटन्स के बारे में, जो यहाँ के जितने भी बटन्स देख रहे हैं, ये जो नॉब्स हैं, इन सब का एक एक का हर किसी का क्या अपना मतलब होता है। तो सबसे पहले तो देखो, ऑन ऑफ ये सिंपल सा बटन है, एयर कंडीशनिंग ऑफ या ऑन करने के लिए ये सिंपल सी चीज़ है। और ऑटो, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। ये तो देखिए, ये टेम्परेचर सेटिंग के लिए है, देखो अगर टेम्परेचर आपको क्या रखना है। अब जैसे लो है, लो तो सबसे कम हो गया, और आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। अब एक हाई आ जाएगा, हाई तो मतलब हीट ऑन हो गया, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लो पे कर देते हैं वापस इसको। और सेकेंडली, इस साइड आपको मिलता है फैन स्पीड, अगर आप इसको मैनुअली के तौर से कंट्रोल कर रहे हैं तो ये फैन स्पीड होगी इसकी। और यहाँ पे मिलता है एक एयर कंडीशनिंग का स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरा मिलता है ये, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे बनी है एक बंद गाड़ी और एक एरो बना है गाड़ी के अंदर ही। इसका मतलब अभी यहाँ पे लाइट नहीं जल रही, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो एयर है वो बाहर से अंदर आ रही है, मतलब ओपन है, जो अंदर जो केबिन की एयर है वो रिसर्कुलेट नहीं हो रही, बाहर से फ्रेश एयर अंदर आ रही है। पर अब अगर मैं इस बटन को कर दूं बंद, तो इसका मतलब ये है कि कार की एयर ही अंदर रिसर्कुलेट होती रहेगी। ये आप यही ज्यादा प्रेफर करेंगे, इससे क्या होता है कि मैक्सिमम ठंडक ज्यादा होती है, क्योंकि कार बाहर से गर्म हवा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की एयर ही रिसर्कुलेट होती रहती है, तो ये ज्यादा ठंडा करता है। पर अगर आप ज्यादा हाईवे पे जा रहे हैं और आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें आप कंटिन्यूसली काफी देर ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी देर में आपको ये बटन खोल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप इसको खोलेंगे तो बाहर से फ्रेश एयर अंदर आएगी, तो कार में ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है जब पैसेंजर ज्यादा बैठे होते हैं, तो वो फुलफिल हो जाएगी। जो आप लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं तो जो बैठे होते हैं उनको जनरली प्रॉब्लम आती है कि नौजिया होता है या फिर उल्टी जैसा सेंसेशन होता है, ये जो भी होता है ये इसी वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पीछे। तो इसको जरूर थोड़ी थोड़ी देर में खोल लीजिए, अभी के लिए इसको खुला ही रख देते हैं। अब ये बटन आ गया आपका डिफॉगर, ये बेसिकली आपका रियर डिफॉगर है। इससे क्या होगा, जैसे आप सर्दियों में या बरसातों में चलाते हैं तो जो पीछे जो फॉग जम जाती है अंदर की साइड या बाहर की साइड आपके विंडशील्ड के, रियर विंडशील्ड के, तो आप इसको दबाने से वो क्लियर हो जाती है। इसका हुंडई में तो इसका ये सिस्टम होता है कि आप इसको ऑन करेंगे तो 15 मिनट से ही चलता है, फिर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब ये बटन आ गया, ये है एयर फ्लो, देखो ये बैठा हुआ है और यहाँ तीन एरोज बने हुए एयर फ्लो के लिए है। अब देखिए, ये एयर मतलब मैं यहाँ से भी आएगी और ये नीचे फीट पे भी एयर आ रही है, ये सिर्फ फीट पे हो गई, ये आपका विंडशील्ड पे चलेगी सारी एयर, और ये आगे आपके सिर्फ फेस पे। तो ये आपका बेसिकली आप डिसाइड कर सकते हैं कि एयर आपको कहाँ चाहिए। अब आ गया फिर ये बटन, इस पर ये जैसे मैंने बताया था ये होता है रियर डिफॉगर, ये होता है फ्रंट डिफॉगर। अब जैसे किसी को प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये सारी हवा, ठंडी हवा सीधा सामने की विंडशील्ड पे जाएगी, जिससे कि विंडशील्ड पे जो सामने की विंडशील्ड है उस पर जल्दी से जल्दी जो भी फॉग है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अपन ने बात कर ली सारे बटन के बारे में। अब मैं जिस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो होता है, जो है यहाँ पे ऑटो बटन का क्या काम होता है। देखिए, ऑटो बटन ये है, सिर्फ ये गाड़ी ही अपना डिसाइड करेगी कि कहाँ फैन स्पीड इतनी होनी चाहिए, बेसिकली फैन स्पीड, हवा कहाँ से आएगी और किस इंटेंसिटी पे आएगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपने अपना टेम्परेचर सेट किया। जैसे मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री सेट किया, 20 डिग्री सेट करके मैंने ऑटो प्रेस कर दिया, अब ऑटो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंट्रोल करेगा। देखो अभी गाड़ी गर्म है तो इसने फैन स्पीड फुल कर दी, और बेसिकली ये मैं अपनी प्रेफरेंस से कर सकता हूँ, ये भी ऑटोमेटिकली अभी इसको खुला रखे क्योंकि गाड़ी गर्म है, जल्दी ठंडा हो जाए फिर ये ऑटोमेटिकली ये बंद भी हो जाएगा। अब देखिए, ना यहाँ पे फैन स्पीड आ रही है, ना यहाँ पे ये एयर डायरेक्शन वाला कोई भी वो सिंबल आ रहा है। अभी क्या करेगा, जैसे जैसे गाड़ी ठंडी होती जाएगी ऑटोमेटिकली फैन स्पीड कम करेगा और हवा का फ्लो भी चेंज करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर किस हिसाब से कम होना है। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको मेरे को अब जैसे ही अगर मैं फैन स्पीड अपने हिसाब से चेंज करूंगा तो देखिए ऑटो में ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एसी अपने हिसाब से ही डिसाइड करेगा।
अब जैसे जनरली आप 22-23 पे रखना चाहेंगे एसी को, तो आप एसी को ऑटो कर दीजिए ऑफ, फिर ऑटोमेटिकली आप चलाए गाड़ी। गर्मी होगी तो फैन स्पीड तेज हो जाएगी, अगर अगर ज्यादा ठंडा हो जाएगा फैन स्पीड ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटो स्पीड, ऑटो एसी को ऑटो पे चलाने के लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो एसी को ऑटो पे चलाने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि इसमें सबसे बढ़िया कूलिंग मिलती है आपको आपकी गाड़ी में, और सेकेंडली ये भी बताऊंगा कि ऑटोमेटिक एसी पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी देगी, और आप मैनुअल पे चलाते हैं तो जनरली ये होता है कि थोड़ा फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है, पर ऑटो एसी पे वो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करता रहता है, उससे आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। तो दोस्तों ये था सारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सब समझ आया और आप लोग भी इंप्लीमेंट कीजिए अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी इक्विप्ड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपकी मदद की, और अगर आपका कोई भी अभी भी कोई क्वेरी या कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। मैं बहुत ही जल्दी एक मैनुअल एयर कंडीशन के बारे में भी वीडियो डालूंगा, और भी फ्यूचर में एयर कंडीशन के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।